चीन में कोरोना वायरस की नई लहर ने कोहराम मचा दिया है। हर रोज करोड़ों में मामले सामने आ रहे हैं। मुर्दा घरों में लाशों का अंबार लगा है। इसके बावजूद चीन की शी जिनपिंग सरकार चुनिंदा मरीजों के ही आंकड़े जारी कर रही है। जहां एक ओर चीन में कोरोना की सुनामी आई हुई है, दूसरी ओर वो हर पाबंदी हटाने जा रहा है। इससे दुनिया के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। चीन के अधिकारियों ने बताया कि 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी नहीं होगा, यानी चीन आने वाले विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, चीन ने अब कोविड को ए कैटेगरी से हटाकर बी में डाल दिया है, यानी चीन में अब कोविड 19 खतरनाक संक्रामक बीमारी नहीं रहेगी। ये सब बताता है कि चीन अब अपनी उन्हीं करतूतों को दोहरा रहा है जो उसने 3 साल पहले वुहान में की थी। चीन में ढील दिए जाने के बाद कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में अचानक तेजी आई है। 3 साल पहले जब वुहान में कोविड फैला था तो इसके बारे में चीन ने बताने में देरी की थी। न सिर्फ इस बारे में जानकारी देने में देरी की थी, बल्कि और भी कई बातें छुपाई थी, जिस वजह से संक्रमण पूरी दुनिया में फैल गया था। चीन के प्रतिबंधों को खत्म करने के बाद बाकी देश अलर्ट पर है। बाकी देश चीन से उनके देश में कोरोना फैलने को लेकर चिंतित हैं। जापान में अभी तक संदिग्धों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। भारत में भी चीन से आने वाले यात्रियों की अनिवार्य टेस्टिंग होगी। जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने भी संक्रमितों को क्वारंटाइन रहने का आदेश दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 Digital।